पिछले 5 साल में तीसरी बार कमला मिल कंपाउंड में आग लगी है। अगर आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक जो स्प्रिंकलर्स है वो ऑन होने चाहिए थे, जो ऑन नहीं हुए हैं। ये सभी इलीगल कंस्ट्रक्शन को यहाँ के जो लोकल MLAs हैं उनका उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट है। सर, फायर ऑडिट के बारे में वही हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको पता दिया जाएगा। अभी जब तक के हमने देखा फायर कंट्रोल में लिया गया है, फायर फाइटिंग सिस्टम चालू है, स्प्रिंकलर सिस्टम चालू है, सब कुछ चालू है। अभी जब तक हम पूरा जाके ग्राउंड फ्लोर से 14 माले तक पूरा देखेंगे, किसी को कुछ तकलीफ है वो भी देखेंगे, सिस्टम चालू है, सपोज काज के फायर का वो भी देखेंगे, उसके बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सुबह कितने बजे आग लगी और आग कब पहुंची और अभी क्या चल रहा है? सुबह 6:25 को फायर कॉल दिया गया था। तुरंत हमारे 10 मिनट में सब फायर इंजिन फायर ऑफिसर पहुँच गए, उन्होंने तुरंत सिस्टम चालू किया, ब्रीदिंग एपरेटस सेट पहन के सब लोग ऊपर चले गए। बाहर से एक टर्न टेबल लैडर आपको दिखाई देती है वो साइड में, वहाँ से एक्सटर्नली पाइपलाइन लिया गया था और अंदर से पाइपलाइन लेके वेंटिलेशन करके पूरा फायर पे अभी तक काबू किया है और मार कुछ लगा नहीं है और इन्वेस्टिगेशन अभी फिर भी चालू है। पिछले 5 साल में तीसरी बार कमला मिल कंपाउंड में आग लगी है। जो फायर ऑडिट होना चाहिए हर एक बिल्डिंग का, वो फायर ऑडिट कोई भी सीरियसली नहीं कर रहा है, ये इससे साबित हो जाता है। अगर आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक जो स्प्रिंकलर्स है वो ऑन होने चाहिए थे, जो ऑन नहीं हुए हैं। और आप देखेंगे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कमला मिल में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सभी इलीगल कंस्ट्रक्शन को यहाँ के जो लोकल MLAs हैं उनका उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट है। इसके वजह से प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है और इसी वजह से आज अगर आप समझो कि ये अगर आग रात में लगी, कोई नहीं था तभी, अगर ये दिन में लगती थी तो कितना बड़ा नुकसान होता था, कितना बड़ा हादसा होता था, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यहाँ के जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है फायर ऑडिट और इस प्रकार के उन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने इस प्रकार के इलीगल कंस्ट्रक्शन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के जानों के साथ क्यों खेल रहे हैं। सर, इसके पहले 2017 में भी आग लगी, इधर का जो कमला मिल का नाइट लाइफ है, ये नाइट लाइफ को सपोर्ट किसका है? यहाँ के जो स्थानीय आमदार है उनका सपोर्ट है और नाइट लाइफ के खिलाफ कार्रवाई करने वो देते नहीं है। इसके लिए इस प्रकार के जो घटनाएं हैं ये बार बार होते हुए हमें दिखती है।